चलिए जी, तो टुडे इज 26 तो वी वर टॉकिंग अबाउट सीड। ध्यान से पहले सुनना है, सीड जो है, सीड इज फर्टिलाइज ओव्यूम It consists of seed coats, cotyledons, embryonal axis, and as I had told you, reserve cell. आपकी बुक में ये तीनों दिए हुए, रिजर्व फूड नहीं दिया हुआ जनरली, ठीक है, बट रिजर्व फूड भी है। सीड कोट्स जो है दे डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स आउटर सीड कोट या आउटर इंटेग्यूमेंट forms testa, inner integument forms stamen. So which is outer seed coat? Testa. Inner seed coat is stamen. ठीक है? Then cotyledons. Cotyledons are swollen structures. क्यों swollen है? Has reserve food. Two cotyledons in dicot seed. Single cotyledon in monocot seed. And this single cotyledon is called as putamen. Embryonal axis. इसकी टिप को कहते हैं प्लूमूल, टिप एंड या बिटवीन टिप एंड कॉटिलिडनरी नोड द रीजन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। नोड से ऊपर एपिकोटाइल, बेस पे क्या है रेडिकल, बिटवीन बेस एंड पूरा लिखना है कॉटिलिडनरी नोड इज हाइपोकोटाइल। Based on reserve food, based on the reserve food, seeds can be कौन कौन से टाइप के सीड्स होते हैं, पहले इधर ध्यान से, इधर बिल्कुल इसको ना ग्रैस्प करते जाया करो, लिखना नहीं, डोंट बिहेव लाइक टाइपराइटर।
है ना, मैं जनरली कहते हैं बिहेव लाइक कंप्यूटर जो सोच समझ के लिखता है, साथ ही तुम गलत करते साथ ही स्पेलिंग मिस्टेक बता देता है। तो इस तरह से तुमने भी एक कंप्यूटर की तरह काम करना है, दिमाग से सोच के समझ के। आई विल गिव यू फुल टाइम टू राइट अप, ठीक है? इसलिए पहले समझो आराम से। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सीड्स हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? एंडोस्पर्मिक, जिसको हम एल्ब्यूमिनस कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जिसको हम और क्या कह सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। और एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है बेटा, पेरिस्पर्मिक सीड्स। ध्यान से देखो पहले, एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मिक सीड्स, जब एम्ब्रियो बना तो ओव्यूल में क्या था, एंडोस्पर्म था। एंडोस्पर्म किस लिए था, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए था, ठीक है? अब कुछ सीड्स में होल ऑफ द एंडोस्पर्म गेट्स कंज्यूम्ड, पूरे का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। सो सच सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। सीड्स में जब सीड्स बने, जब एम्ब्रियो मैच्योर हो गया, तो सीड के अंदर कोई एंडोस्पर्म बचा ही नहीं। सच सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फॉर एग्जाम्पल, जितने हमारे लेग्यूम्स है, मटर है, दालें हैं, ग्राउंडनट है, ये सब क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। होल ऑफ द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। दूसरे सीड्स वो है इन विच होल एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड, सम एंडोस्पर्म इज स्टिल लेफ्ट इन द सीड्स। सच सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स, राइट? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेज, मेज में जो आप ग्रेन खाते हो उसमें क्या खा रहे हो, अब मटर है, मटर में क्या खाते हो, कॉटिलेडंस खाते हो, क्योंकि एंडोस्पर्म सारा खत्म हो चुका है। जबकि जो मेज मक्की के ग्रेन है उसमें क्या खा रहे हो, एंडोस्पर्म खा रहे हो। जो कोकोनट है क्या खा रहे हो, एंडोस्पर्म खा रहे हो, बिकॉज एंडोस्पर्म इज स्टिल लेफ्ट इन द सीड इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। सच सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। उसके बाद पेरिस्पर्मिक सीड्स। अच्छा मुझे ये बताओ, जो सबसे पहले ओव्यूल बना था, अभी कुछ नहीं बना, एगो कुछ नहीं बना, ओव्यूल के अंदर क्या था? जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? अर्नव आप बताओ बेटा, व्हाट इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल, व्हाट डज द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ? अर्नव जल्दी से, हरगुन आप बताओ, मेगास्पोर मदर सेल कौन सेल से डेवलप होता है ये बता दो मुझे। शिवांशी मैम, पोलन ग्रेन। जैसे पोलन ग्रेन तो मेल का हो गया, मैं फीमेल में पूछ रही हूँ, हरगुन आप बता रहे हो। हाँ मैम, जो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में उसको और क्या बोलते हैं, एन से ही है। हाँ भव्य है, आपको याद हो तो आप बोलो। हाँ मैम भूल गया। ठीक है, देखो ना, ये ओव्यूल है मैम, न्यूसेलस, यस, है ना, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है। और न्यूसेलस आपको पता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो सेल। बट कुछ सीड्स में सम न्यूसेलस, ये देखो यहाँ पे ये एम्ब्रियो बन गया, लेट अस से दिस इज एम्ब्रियो एंड दिस इज न्यूसेलस। सम न्यूसेलस इज स्टिल प्रेजेंट इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सीड, एंड दैट परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म।
So there are some seeds in which perisperm या persistent mucellus is present that stores food. So such seeds are called as perispermic seeds. पहले यहां तक लिखो, फिर मैं इन तीन की दोबारा से डेफिनेशन भी बताती हूँ आपको. So write down endospermic seeds. The seeds in which some of the endosperm is still left even after maturation of embryo. मैं एक और बार रिपीट कर. The seeds in which some of the endosperm is still left even after maturation of embryo. Full stop करके second point लिखिए. This endosperm gets consumed during germination of seed. Example लिख लीजिए endospermic seeds की. Maize, bajra, sorghum, wheat, sunflower, castor. और भी बहुत सारे, but these are common examples of endospermic seed. लिखो फटाफट से examples here. नेक्स्ट आ जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. द सीड्स इन विच होल ऑफ द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. Therefore, full stop करके, therefore, no endosperm is left in the mature seed. In this case, yeah, in therefore, there is no endosperm left. No endosperm is left in the mature seed. Therefore, in these seeds, the reserve food of cotyledons is used during germination. Example आ जाता है pea जो है वो legumes में ही आ जाता है, but फिर भी हम दालें कह लीजिए. Another is groundnut, etc. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए. पेरिस्पर्मिक सीड्स के नीचे आ जाइए. गेड़ा गेड़ा रखा मैम. हाँ जी बेटा. मैम एक और मैम रिपीट कर दो. पेरिस्पर्म नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है
the seeds in which no endosperm is left in the mature seeds. ठीक है. उसके बाद है पेरिस्पर्मिक सीड्स. तो पहले लिखिए पेरिस्पर्म क्या चीज है. पेरिस्पर्म इज इट इज परसिस्टेंट न्यू सेल्स. इन मोस्ट केसेस, ध्यान से सुनो, इन मोस्ट केसेस Nucellus is consumed for the development of embryo sac. But in some cases, पूरा न्यूसेलस नहीं, सम ऑफ न्यूसेलस परसिस्ट इवन इन सीड्स. सच सीड्स आर पेरिस्पर्मिक सीड्स. Perisperm provides, again वही बात है, nutrition for germination. That are called as perispermic. लिख लो जल्दी. Example आ जाता है इसका black pepper and beetroot. काली मिर्च जो है, another is beta vulgaris. चुकंदर जो है vulgaris, beta vulgaris, चुकंदर जो है, इन दोनों में the seeds have perisperm. हो गया बेटा, ये हो गया पेरिस्पर्म का. मैम एक मिनट. हाँ कर लो कर लो. व्हाट आर द इवेंट्स ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन. क्या चीज होती है. सबसे पहले तो एम्ब्रियो मैच्योर हुआ, उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स हार्डन टू फॉर्म द सीड कोर एंड अ पोर जो माइक्रोफाइल है is left for absorption of water during germination. Seed coats में छोटा सा पोर रह जाता है जो एक्चुअल में माइक्रोफाइल है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन. Seeds lose water, dehydrate means lose water. और इनका moisture सिर्फ 10-15% of the total mass जो है वो रह जाता है. Is it right? Then the
embryo has very slow rate of metabolism. Thus, enters in inactive state. क्योंकि उसमें बहुत धीरे, बस सर्वाइवल के लिए ही जितना मेटाबॉलिज्म चाहिए वो होता है. रेस्पिरेशन इज एनारोबिक. दीज आर द इवेंट्स विच अकर्स ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन. ठीक है जी. सीड्स आर देन शेड फ्रॉम प्लांट. सीड्स जो है लिबरेट हो जाते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं. अब प्लांट से अलग होने के बाद फिर सीड्स का क्या होता है? देखो ध्यान से देखो पहले, फिर लिखना कि आफ्टर शेडिंग. बिल्कुल ध्यान इधर, नहीं तो फिर याद नहीं रहता बेटा. आफ्टर शेडिंग सीड्स में आइदर जर्मिनेट इफ गेट फेवरेबल conditions, that is moisture, temperature and oxygen. पानी मिल जाए, proper temperature मिल जाए, oxygen मिल जाए, तो germinate कर जाते. और ध्यान से, in some cases the seed become dormant. मैं अभी बताऊंगी क्या चीज होती है. And germinate only after overcoming dormancy. जब dormancy खत्म होती है तभी germinate करते. ठीक है. तो सीड्स का दो फेज है कि या तो लिबरेट होने के बाद जर्मिनेट कर जाएंगे या वो डोरमेंट स्टेज में चले जाएंगे. ठीक है. अभी हम बताएंगे कि डोरमेंसी क्या होती है, बट पहले आप ये लिख लो. तो डोरमेंसी करने से पहले बेटा हमें पता चल रहा होना चाहिए वायबिलिटी क्या है. जैसे हमने पोलन ग्रेन्स में किया था, ऐसे viability of the seed. ध्यान से पहले सुनो. The seeds in which embryo is living and has the ability to germinate when favorable conditions are available are called as viable seeds. वाइबल है, ये काम हो सकता है. सीड्स का क्या काम है? सीड्स का काम है जर्मिनेट करना. हाँ भाई, ये सीड जर्मिनेट कर सकता है. दिस मीन सीड्स आर वाइबल. ये सीड तो इसका एम्ब्रियो ही मर गया, अब ये जर्मिनेट कहाँ से करेगा? तो ये नॉन वाइबल. ठीक है. तो जितने सीड्स प्लांट से लिबरेट होते हैं
सभी वायबल नहीं होते, उनमें से कुछ वायबल नहीं होते, कुछ होते, किसी का एम्ब्रियो मैच्योर है, कुछ है एम्ब्रियो पहले से मर गया तो वो नॉन वायबल, बट इन जनरल वायबिलिटी ये। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ दिनों में, कुछ घंटों में अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए तो वो जर्मिनेट कर लेंगे। और कुछ सीड्स ऐसे हैं जो कहते कोई बात नहीं, आज नहीं हमें मिला फेवरेबल कंडीशन, कोई बात नहीं, 100 साल बाद मिलेगा, कोई बात नहीं, 1000 साल बाद मिलेगा, कोई बात नहीं, हम तब जर्मिनेट कर लेंगे। तो टाइम ऑफ द वायबिलिटी, टाइम पीरियड फॉर विच सीड्स रिटेन देयर वायबिलिटी इज वेरिएबल। सम रिमेन वायबल फॉर few days after liberation and some retain their viability for many years। कैसे पता चला बेटा? हमें कुछ खुदाई की है ना, कहीं पे एक्सकेवेट किया, खुदाइयां चलती रहती है, तो वहां पे कुछ सीड्स मिल गए, कुछ प्लांट्स, ठीक है, तो उनको जब जर्मिनेट किया तो हमने देखा कि वो जर्मिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ सीड्स ऐसे हैं जो कई 100 सालों तक अपनी वायबिलिटी रिटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट का नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस। कहां से? एस्केवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। टुंड्रा कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है टुंड्रा, ठीक है, तो आर्कटिक टुंड्रा में से ये सीड्स निकले, ल्यूपिनस आर्कटिकस सीड्स एक्सकेवेटेड निकाले गए, कैन जर्मिनेट इवन आफ्टर 1000 years, 1000 साल बाद भी ये जर्मिनेट कर सकते थे। और इसी तरह से 1000 के भी 10,000 years, इतने 10,000 years तक ये वायबल थे। इसी तरह से सीड्स ऑफ फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, खजूर जो है, डेट पाम जो है, कैन जर्मिनेट even after 200 years। ये 200 साल के बाद भी जर्मिनेट कर सकते हैं। एंड बीज जो ये सीड से फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा कैसे पता चला? दे वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम एक पैलेस है किंग हेरोल्ड्स पैलेस। कहां पे है? नियर डेड सी। आप मुझे बताओगे कि डेड सी को डेड सी क्यों बोलते हैं, ठीक है, बट इस पैलेस के पास नियर डेड सी से ये खजूर के बीज जो है वो निकाले गए और वो देखा गया कि उनकी लाइफ 200 साल है, और उनको लगाया तो देखा कि वो 200 साल के बाद भी जर्मिनेट कर सकते हैं। सो दे कैन रिटेन देयर वायबिलिटी इवन आफ्टर 200 ईयर, राइट?
तो पहले ये लिखो दिस इज वायबिलिटी, बट कुछ प्लांट्स हैं जिनके सीड्स बहुत थोड़े टाइम में, कुछ दिनों में, हफ्ता, दस दिन, कुछ महीनों में वायबिलिटी लूज कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, नॉट ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट आर वायबल। इसलिए बेटा जो एग्रीकल्चरिस्ट्स है उन्होंने जब क्रॉप लगानी है ना, तो जब सीड्स लगाते हैं तो वो किसी केमिकल में डालते हैं टू सेपरेट वायबल एंड नॉन वायबल सीड्स, ठीक है। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये वाले नॉन वायबल है, ये वायबल है, नॉन वायबल को डिस्कार्ड कर देते हैं और वायबल को फिर आगे कंज्यूम कर लेते हैं फॉर द न्यू क्रॉप, राइट। तो करो ये, अब जी कंडीशंस, एनवायरमेंटल, पानी भी प्रेजेंट है, टेम्परेचर भी फेवरेबल है, राइट, ऑक्सीजन भी है, तब भी जो है सीड्स जर्मिनेट नहीं कर रहे, तो सच सीड्स आर कॉल्ड एज डोरमेंट सीड्स। सीड्स लिबरेट हो गए बट जर्मिनेट नहीं कर रहे, सच सीड्स, इनएबिलिटी ऑफ द सीड्स टू जर्मिनेट इवन व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल इज कॉल्ड एज dormancy, yeah, is called as seed dormancy. क्या कारण है क्यों नहीं germinate करते, reasons क्या है, ध्यान से सुनो पहले, reasons है, first reason है कि embryo जो है, embryo is still immature after seed shedding. Seed liberate हो गया plant से, but embryo अभी भी उसका immature है. तो some time will be taken. जब तक embryo mature नहीं होता, तब तक seeds germinate नहीं होंगे. दूसरा और क्या reason हो सकता है? The required growth hormones, GH growth hormones, लिखना, पूरा लिखना है, growth hormones are still not formed. So again, some time is required for the growth hormones to be formed. तीसरा आ जाता है hard seed coats. अब आप कहेंगे कि हार्ड सीड कोट से ये कब सॉफ्ट होंगे, कैसे सॉफ्ट होंगे, तो बेटा कुछ सीड्स जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं जर्मिनेट करते, उनको पहले कोई एनिमल खाएगा, इधर सुनो सारे, एवरीबॉडी हियर, वो पहले कोई ना कोई जानवर, बर्ड उन सीड्स को खाएगा, है ना, ये फ्रूट खाएगा, ठीक है, सीड्स तो नहीं, वो फ्रूट खाएगा, फ्रूट के थ्रू वो सीड्स उसके एलिमेंट्री कैनाल में गए, वहां पे डाइजेस्टिव जूसेस उस पे एक्ट कर रहे हैं जिससे सीड कोट सॉफ्ट हो गया और सीड जो है वो फीसिस से बाहर आ गए, और जब वो फीसिस से बाहर आए तभी वो जर्मिनेट किए। एंड यू नो कि एक बर्ड है डोडो, है ना, वो एक्सटिंक्ट हो गया, मॉरिशियस से, मॉरिशियस में था, वहां से वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो मॉरिशियस में एक प्लांट भी था, ठीक है, तो उसके सीड्स तभी जर्मिनेट होते थे जब डोडो की एलिमेंट्री कैनाल से वो बाहर आते थे। एंड नाउ यू नो that after extinction of the dodo, that plant also has become extinct, क्योंकि अब उनके seeds के पास germination करने का तरीका ही नहीं है, वो सिर्फ जब dodo खाता था तो फिर वो germinate करते थे, अब dodo है नहीं तो वो plant भी खत्म हो गया, right? This is called as co-extinction. तो hard seed coats के कारण भी seeds germinate नहीं करते। And fourth है जी presence of inhibitors, ठीक है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ये मैंने सिर्फ क्योंकि डोरमेंसी बहुत बार यूज हुआ है आपकी बुक में, तो डोरमेंसी क्या चीज है ये मैंने बताया आपको, तो ये कैसे वो मैंने बता दिया आपको, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है वो वाले कि भाई ये कैसे रिमूव होगा, सिर्फ माइंड में आपके होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स सच एज
phenols, abscisic acid, etc. तो ये जब बहुत तेज बारिश आती है तो ये इनहिबिटर नीच डाउन कर जाते हैं, बारिश के पानी में ये बह जाते हैं एंड देन द सीड्स दे जर्मिनेट, राइट? सो दिस इज डोरमेंसी ऑफ सीड्स. एक और चीज बताऊंगी फिर आप लिखना. उसके बाद आ जाता है बेटा विविपैरासीट. जैसे विविपैरी हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. व्हाट इज विविपैरी? दैट इज द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, दैट इज कॉल्ड एज विविपैरी, राइट? तो विविपैरस सीड्स या विविपैरस प्लांट्स कौन से है? जो प्लांट्स अंडे नहीं देते बच्चे बनाते हैं. अब ये क्या मतलब हुआ? व्हाट आर दैट एग्स? एग्स आर द सीड्स विच डू नॉट शेड सीड्स बट विच फॉर्म द स्मॉल प्लांटलेट्स एंड देन दो स्मॉल प्लांटलेट्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. विविपैरस सीड्स या विविपैरस प्लांट्स कह लीजिए आप तो ज्यादा अच्छा है. एग्जाम्पल आ जाता है बेटा इनका मैनग्रोव प्लांट्स. विच ग्रो इन मार्शी एरिया. दलदल में रहते हैं ये प्लांट. तो दलदल में रहते हैं, दलदल जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती बेटा, ठीक है? तो इन प्लांट्स की अगर आपको थोड़ा सा आपने जरूर सिक्स सेवंथ में कभी पढ़ा होगा, तो ये प्लांट्स है और इनमें ये रूट्स भी है बट इनमें कुछ ऐसी ऊपर को रूट्स होती है, जमीन से ऊपर ग्रो की होती है, ये भी रूट्स है, ठीक है? एरियल रूट्स, ठीक है? तो ये जो रूट्स है इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, न्यूमाटोड्स, जिसके थ्रू दे ब्रीद. न्यूमेटोफोर्स कहते हैं इनको, ठीक है? बट अभी नहीं, हमने सिर्फ मुझे ये बताना है कि जो मार्शी मैनग्रोव प्लांट्स है उसमें कुछ रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करती है. अब अगर सीड्स क्यों ग्रो करती है? टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट. अगर इनके प्लांट्स के सीड्स लिबरेट हो जाए और वहीं गिर जाए दलदल में, तो वो तो जम, क्योंकि रहना तो उन्होंने दलदल में ही है, मार्शी उनका हैबिटेट वही है, तो वो तो बगैर ऑक्सीजन के जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, तो कैसे नए प्लांट्स करेंगे, राइट? तो इनमें क्या मेथड है? अडेप्टेशन है कि सीड्स जर्मिनेट व्हाइल दे आर अटैच्ड विद द पेरेंट प्लांट. जब सीड्स जर्मिनेट करके छोटा सा प्लांट बना लेते हैं, उनके छोटे से न्यूमेटोफोर्स बन जाते हैं, तभी वो प्लांट से अलग होते हैं एंड दे गेट एस्टेब्लिश्ड इन द मार्शी लैंड, राइट? सो देयर सीड्स नेवर अंडरगो डोरमेंसी. दे जर्मिनेट वाइल अटैच्ड विद पेरेंट प्लांट. न्यू प्लांटलेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट व्हेन दे डेवलप, व्हेन दे फॉर्म रूट्स एंड न्यूमेटोफोर्स. ये है न्यूमेटोफोर्स, पूरा लिख लें, ये जो ऊपर को ग्रो करे ये न्यूमेटोफोर्स है, तभी ये अलग होते. Is it okay? So, अब लिख लो, these are viviparous plants. Mangrove plants are viviparous plants. So, अब events during
सीड जर्मिनेशन. क्या इवेंट्स हो रहे हैं? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, सेकेंड है वॉटर कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन विच ड्यू टू विच पहले एम्ब्रियो में कैसी रेस्पिरेशन हो रही थी? एनारोबिक. अब कैसी हो गई है? एरोबिक. ड्यू टू विच एनारोबिक रेस्पिरेशन चेंजेस टू या शिफ्ट्स टू एरोबिक रेस्पिरेशन. क्यों? क्योंकि अब एम्ब्रियो ने ग्रो करना है, रेडिकल रूट बनाएगा, प्लूमूल शूट बनाएगा, उस ग्रोथ के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ज्यादा कहां से मिलेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन से. अब एरोबिक रेस्पिरेशन से के बाद अब फूड भी तो चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन को, ग्लूकोज भी तो चाहिए. रिजर्व फूड तो स्टार्च होता है या ऑयल होता, ठीक है, मेनली स्टार्च है, तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी? देन एक्टिवेशन या सिक्रीशन ऑफ जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड इन द सीड. जिब्रेलिन आ गए. जिब्रेलिक एसिड ने क्या किया? एक्टिवेट अमाइलेज एंजाइम. जिब्रेलिन्स ने इसको एक्टिवेट कर दिया. अमाइलेज ने क्या किया? डाइजेस्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज. एंड दिस ग्लूकोज इज देन यूज्ड इन रेस्पिरेशन. एनर्जी अवेलेबल हो गई है जिसके कारण the embryo grows, radical comes out first and then plume. और उसके बाद radical आकर root बना देगा, plumule बाहर आके shoot बना देगा. In this way, a small plant lettuce. So these are the sequence of events which occurs during seed germination. Karo ye jaldi. Next time aa jata hai seed bank. Seed banks wo hai jahan pe hum seeds ko store karke rakh sakte hain. But kaun se seeds ko store kar sakte hain beta? Jo jinka dormancy time ho, jo bahut time tak viable rahe. या तो जो डोरमेंट हो या जो बहुत टाइम तक वाइबल रह सकते हैं. ओनली दो सीड्स कैन बी स्टोर्ड. तो दो प्रॉपर्टी सीड स्टोरेज में हेल्प करती है, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी. डिहाइड्रेट होते हैं तो सीड्स गलते नहीं है क्योंकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत थोड़ा, तो इसलिए फंगल इंफेक्शन ये सब नहीं होता. तो प्रॉपर्टी ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी हेल्प्स अस टू स्टोर द यू नो store the seeds in the seed bank. And the seeds which have short viability, जो जिनका embryo ज्यादा time तक जिंदा ही नहीं रहता है, वो जो है seeds हम उनको store नहीं कर सकते हैं. So which have short viability cannot be stored. कर लो ये. उसके बाद advantages of seed formation. देखो बेटा, जो इससे पहले आप जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स बनते हैं, एंजियोस्पर्म्स में इससे पहले थे एल्गी ब्रायोटेरिडो,
उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं है तो मेल गैमेट्स पहुंचेंगे नहीं फीमेल गैमेट तक, इसलिए वहां पे रिप्रोडक्शन होगी ही नहीं। जो एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स है, वहां जहां पर सीड्स बनते हैं, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये दो प्रोसेसेस है सीड्स बनाने के लिए। और दोनों हाइड्रोफिली को छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोफिली होती बहुत कम है और वो एक्वेटिक प्लांट्स में है, तो इसलिए पानी वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज इन ऑल अदर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, पानी चाहिए नहीं। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, इसलिए सीड फॉर्मेशन इज मोर रिलायबल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम रिलाय कर सकते हैं कि यार पानी की जरूरत नहीं है इनको, तो सीड्स इनमें बन जाएंगे, राइट। सेकेंड है, सीड्स हैव सेवरल मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन, जो कई बर्ड्स के थ्रू होते हैं, कई अपने आप एयर के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं, कई मेथड्स है डिस्पर्सल के, एंड दस दे कैन एक्सप्लोर न्यू हैबिटेट। इसलिए एंजियोस्पर्म सबसे डाइवर्स है, दैट इज व्हाई देयरफॉर एंजियोस्पर्म्स आर फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट्स। थर्ड है, सीड्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, आपने पूरा लिखना है, नहीं तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल्सो एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर फर्दर यूज। देन जो सीड कोट्स है, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, एंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड by sexual reproduction and thus show variations। इसमें तो embryo की main बात है कि they show variation, right? And another is seeds में क्या है, seeds have reserve food। बाकियों में seed जो इससे पहले थे, bryophytes, rhizophytes, इनमें embryo को अगर conditions मिल गई favorable तो germinate कर जाएगा, नहीं तो germinate नहीं करेगा। But यहाँ पे क्यों नहीं germinate करेगा, क्योंकि उसके पास reserve food नहीं है। यहाँ पे seeds have reserve food which nourishes embryo till their germination। ठीक है जी, so these are the various advantages of the seed। ठीक है, लिख लो seed formation की, क्यों evolution में seed आया, क्या जरूरत थी। So these are the conditions, advantages of seed। Next हम आ जाते हैं बेटा fruit पे। Fruit क्या चीज है? Fruit is, you know, it is the ripe ovary ball। And fruit is also called as pericarp।
along with maturation of ovule into seed. जैसे जैसे seed बन रहा है वैसे वैसे ही साथ में ही fruit भी बनता है. तो question आ सकता है कि fruit wall is formed later की पहले. No, seed formation and fruit formation is simultaneous, right? So what are the different type of fruits? हमने plus one में भी किया था. दोबारा से true fruit which is formed only from the ovary part of the plant, जो सिर्फ ovary से बन रहा है, बाकी सब चीजें sepals, petals, thalamus, ये सब wither off हो जाते हैं. That is called as true fruit which is formed only from the ovary part. False fruit, जैसे apple है, apple में क्या है, ovary है, thalamus grow कर जाता है उसके ऊपर, जो हम खाते हैं वो क्या है, thalamus है. स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में जो फ्रूट है वो तो चलो अपना फ्रूट है, बट उसके साथ जो सेपल्स है दे आर एडियर टू इट. तो फॉल्स फ्रूट इज दैट इन विच द ओवरी इज एसोसिएटेड अलोंग विद अदर स्ट्रक्चर्स सच एज सेपल्स सच एज यू नो थैलेमस दैट आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट. एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, right? So the fruits formed without fertilization are called as parthenocarpic fruit. Or jab fertilization nahi hui to seeds bhi nahi banenge, kyunki seeds are fertilized ovules, right? So jo parthenocarpic fruits hai they are without seeds. For example banana, banana mein kabhi humne seeds dekhe nahi, so ye hamesha parthenocarpic hai. उसके बाद है ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लैशी फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स आर दोज इन विच एडिबल पार्ट इज ड्राई एंड पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प मेसोकार्प एंडोकार्प दैट आर कॉल्ड एज ड्राई फ्रूट्स. ठीक, उसके बाद ऑल जो जिनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं आलमंड हो गए वॉलनट हो गए ऑल दोज ड्राई फ्रूट्स आर नॉट अंडर दिस कैटेगरी. मैं बताऊंगी अभी आपको. फ्लैशी फ्रूट्स एडिबल पार्ट फ्लैशी है और दूसरा पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प मेसोकार्प एंडोकार्प. राइट, तो ये लिख लो. ये थोड़ा सा जो हमारा रह गया वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. इज इट ओके? ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप.